एवरीवन एंड मैंने अभी बताया नहीं है, टुडे इज माय बर्थडे एंड बर्थडे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज है कुछ स्पेशल। तो स्पेशल मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई सस्पेंस नहीं रखूँगी। तो आज आप मुझे अच्छी अच्छी विशेस देकर मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं, क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे उठ के करी पूजा, और मैं आज मंदिर भी जाऊँगी, और फिर जो भी शाम को सेलिब्रेशन होगा वो आप लोग मेरे लास्ट तक व्लॉग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सिंपली बस ऐसे ही केक काट दिया था मैंने। भैया सब नहीं थे, मतलब सब आधे तो बीमार चल रहे हैं अभी, आधे इधर उधर हैं, तो कोई नहीं थे तो बाहर नहीं जा पाए हम लोग। वैसे प्लानिंग थी कि हाँ हम लोग बाहर जाएं, पर बाहर नहीं गए, घर में ही सेलिब्रेशन हमने सॉरी सेलिब्रेट तो किया। मैं और अंधी जा रहे हैं मंदिर, तो यहीं बेटा अनवी पकड़ना मेरा सिर से दुपट वो उतर गया पल्लू। तो भाई हम चल दिए दोनों गाँव के मंदिर पर। और बताऊँगी कि आज हम मंदिर क्यों जा रहे हैं सुबह सुबह। तो मैं हमेशा से ही मतलब एक दो बार का तो मुझे ध्यान नहीं है, पर काफ़ी समय से मैं, जब से मुझे जानकारी है, जब से मेरा जन्मदिन आता है तो मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ, भगवान का आशीर्वाद लेके आती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर भी मैं सबसे अपने दिन की शुरुआत जो की है मैंने, तो वो मैं गई हूँ मंदिर पर। अगर आप लोगों का जन्मदिन भी जब आता है तो ज़रूर जाया करो और भगवान से मतलब आप आशीर्वाद लिया करो। तो यहाँ पर ये कृष्ण जी का मंदिर है हमारे गाँव का, जहाँ पर मैं गई हूँ। पहले तो मैं शंकर जी के मंदिर पर जाने का सोच रही थी, पर मैंने सोचा वहाँ पर सोमवार में जाएंगे और श्री कृष्ण के मंदिर ही चली जाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा नज़दीक पड़ता है, वो थोड़ा दूर पड़ता है, और स्कूल जाने को हो रही थी देरी, तो इसीलिए सारा टाइम जो है वो भी मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बस कर ली पूजा, और पूजा करने के बाद मैं निकल के जल्दी से पहुँची हूँ स्कूल के लिए, और थोड़ा सा लेट भी हो गए थे बस। सो हाय एवरीवन एंड मैंने अभी बताया नहीं है, टुडे इज माय बर्थडे एंड हैप्पी बर्थडे। अभी तो मीनाक्षी को उठा के कुछ सरप्राइज देंगे है ना। हाँ, सुनो सही ना, टुडे आई एम अ बर्थडे गर्ल। तो भाई आज भाई फाइनली मौसी इतने दिन से कहते 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 आज भाई साहब इन्हें शर्म आई गई, ये आई गई फाइनली। और मैं आज बता दूं, ये लड़की गौर से देखो इस लड़की को, ये मैं बीमार हुई ना, ये तब भी फोन डेली करना ही ना, सुबह शाम डेली करना, पर इस बंदी को घर आने का टाइम नहीं मिला। तो भैया आज भी नाराजगी बड़ी दूर ना, नाराजगी वराजगी कुछ ना थी, वो तो बेचारी मौसी प्यार दिल से सोने मांगी। अरे नाना ऐसी बात ना, तो अभी मैंने मॉर्निंग में नहीं बताया था, अरे मौसी छोड़ो, तो सुबह मैंने बताया नहीं था, आज है मेरा बर्थडे। तो जल्दी से बर्थडे विश कर देना मुझे, और सपोर्ट कर देना अगले बर्थडे तक, इतने सारे सब्सक्राइबर हो जाए, इतने सारे। और जो कोई हमारे मतलब जान पहचान में है, रिलेटिव है, गिफ्ट देने की इच्छा हो तो गिफ्ट पहुंचा दीजिए। जब आप लोग आएंगे ना हमारे घर तब ले आना। मैं कल या परसों जब जाऊंगी मैं भी मिला के दूंगी, अभी वैसे लाई नहीं हूँ। कोई बर्थडे बर्थडे गिफ्ट नहीं है, बस यही है कि आप आ गए, यही बहुत सब गिफ्ट है। और ये है भाई अनवी रानी, मुझे बड़ा गिफ्ट देना चाह रही है, तो मैंने कहा ब्लॉग में सूट क्यों ना कर लूं। लाओ अनवी गिफ्ट दो जल्दी दे दो, मैम आराम से खोलती। आरुषि मेरे हाथ में फोन है बेटा, खोल के दिखाइयो। तो ये बड़ी मेहनत से बनाया होगा इसने, मैं जान रही हूँ, लेके बैठी होगी, अच्छा ही बनाया होगा। आरुषि लेके बैठी, मेहनत करी है लड़की ने। हाँ, और बच्चों ने भी बहुत सारे कार्ड्स दिए हैं स्कूल में भी। तो आरुषि खोल ले, फिर आप देखना इसमें क्या है, लिख रहा है इसमें इतना सुंदर सुंदर सा, ये देखो नजदीक से दिखा दूं मैं, दिखेगा नहीं है। और हाँ दिखेगा नहीं, इसमें लिख रहा है हैप्पी बर्थडे डियर मैम एंड मामी जी, गॉड ब्लेस यू एंड योर ड्रीम कम ट्रू, होप योर बर्थडे एज अ वंडरफुल, यू आर द मोस्ट काइंड पर्सन एंड यू आर द बेस्ट टीचर एंड द बेस्ट मामी, यू आर द लुकिंग वेरी लवली एंड ब्यूटिफुल, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन फ्रॉम कनिका अनवी। कभी कोई कंफ्यूज हो जा, दो नाम है। तो थैंक यू बच्चा। तो भाई अब चलो मैं और मौसी कर लें भा, आप लोग बने रहो शाम को, जैसे भी, अभी तो फिलहाल कोई कुछ है नहीं, पर जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी हमारे पति देव जी अभी है नहीं, पति देव जी गए हैं बाहर, तो जब वो आ जाएंगे टाइम से तो करते हैं कुछ। तो जब तक के लिए मैं मौसी पीते हैं चाय वगैरह, तो आपसे मिलते हैं बाद में।
और यहाँ पे शाम के टाइम जो है बच्चे आए थे, मौसी जी आई थी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग काटने लगे हैं केक। और आज अंकिता को काफ़ी मिस किया, क्योंकि अंकिता हर बर्थडे पे ना सारी चीज़ें अरेंज कर देती थी मेरी, आज मुझे खुद से सारी चीज़ें उठा के लेकर आनी पड़ रही हैं। और दक्ष थोड़ा सा मुँह फुलाए बैठा है, मम्मा मेरा तो बर्थडे भी नहीं मना है। तो एक्चुअली मैं उसका बर्थडे तो वही आप लोगों को पता है कि जब वो बीमार था तो हॉस्पिटल में केक कटिंग हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं सारे दिवाली पर सब लोग इकट्ठा होंगे तब लोग तब उसका दोबारा से केक काट देंगे, क्योंकि सबको आने में भी प्रॉब्लम होगी फिर अगर अभी हम लोग कोई दिन रख दें तो। यहाँ पे मेरा कट रहा है केक, इधर चाची जी हैं, तो चाची जी थोड़े से बड़ों का ऐसे ही रहता है, तो उधर मैंने कैमरा नहीं किया था और शॉल वॉल ओढ़ कर बैठी थी चाची जी। थोड़ा ठंड का मौसम भी होने लगा है, अभी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं है उनकी। तो यहाँ पे फाइनली मैंने काट दिया अपना केक, तो आप सब भी आ जाओ खाने के लिए। आई होप आप लोगों को छोटा सा लिटिल बिट मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे काफ़ी साहब एक्साइटेड है, और पता है यहाँ पे क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि काविंदर जी को जो है लिपस्टिक से तो बहुत ज़्यादा चिढ़न है, तो वो मुझे केक खिला रहे हैं तो वो हंस रहे हैं कि मेरे फिंगर पर ना लग जाए। तो यहाँ पे बस छोटा सा सिंपली फेम में हम लोगों ने बर्थडे विश कर लिया, केक वगैरह खाया, फिर खाना वगैरह खाया, तो बस फिर हमारा हो गया फिनिश। और काविंदर जी यहाँ पे गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ओवर वॉइस मैंने क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा आवाज़ नहीं आ पा रही थी। हाँ, इस पागल ने लगा दिया मुंह पे केक, वेस्ट कर रहा केक को, ऐसे खा लो, हट हट मैंने खाओ खा दिया, ना खरा खाओ। तो मैं ये दिखा रही, भाई देखो ये पागल लड़का ऐसे कर रहा है केक को वेस्ट। तो भैया आई होप बढ़िया लगा होगा आप लोगों को व्लॉग, भैया मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, मेरा बर्थडे था, चलो केक वेक कटिंग हो गई है, तो दक्षु क्या कहना चाहेगा बाबू मम्मा के लिए, जल्दी बता है, अपने विश कर बाबू दे कहना बना बर्थडे विश तो कर दे मम्मा को, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ये हैप्पी बर्थडे टू यू। आ रही हूँ, देखो ऐसे दिखा।